अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ दही चना चाट की रेसिपी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैंने इसे होममेड दही से बनाया है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके। अगर आपको दही की रेसिपी चाहिए तो मैं इसे आई बटन पर और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप भरकर दही, इसे अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 2 कप भरकर बॉयल चने, इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोडा डाल के, पानी आपने फेंकना नहीं है, उसी में आपने इसे बॉयल करना है, इतना बॉयल कर लें अच्छे से कुक हो जाए। इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें 1 कप भरकर चॉप्ड अनियन और साथ ही साथ 1 कप भरकर कुकम्बर यानी कि खीरा, 1 कप भरकर टमाटर, इस सबको आपने चॉप कर लेना है। और साथ में इसमें डालूंगी मैं आलू क्यूब से कटे हुए 1 कप। इन सब की मेजरिंग सेम है, आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और रमज़ान भी है और इफ्तार में से आप लाजमी बनाएँ, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर मैं आपको पक्या रेसिपी दिखाती हूँ आगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब आ जाते हैं मज़ीद रेसिपी देख लेते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 खाने की चम्मच भरकर चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसे आई बटन पर दे रही हूँ और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, आप उसे वहाँ पर वॉच कर लें। इसके बाद इसमें मैंने डाला है इसमें काली मिर्ची 1/2 टीस्पून और हस्बे ज़रूरत नमक और 1/2 टीस्पून काला नमक, इन सबको आपने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चटनी, ये भी होममेड है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त चटनी है। इन सबको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। ये देखें ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी पापड़ी। पापड़ी की रेसिपी भी बहुत आसान है, अगर आप कहेंगे तो मैं या तो आपको कमेंट में शो कर दूंगी या फिर इसके लिए एक अलग सी वीडियो आपके लिए बना लूंगी। ये देखें ज़बरदस्त दही चना चाट तैयार है। उम्मीद करूंगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।